नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टर्म है मेमोरी यानी कि स्मृति। स्मृति क्या होती है, स्मृति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, स्मृति एक मानसिक क्रिया है और पहले से हम किसी विषय वस्तु को जब सीख लेते हैं उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उस विषय वस्तु को हम पुनः स्मरण करते हुए जब उपयोग में ले आते हैं तो उसे स्मृति या मेमोरी बोला जाता है। जैसा कि वुडवर्थ ने कहा है, पूर्व सीखी गई या पूर्व में सीखी गई किसी भी विषय वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष चेतना में लाकर उपयोग करना या उपयोग में लेना ही क्या है, स्मृति है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मृति उस अभिप्राय के लिए दिया जाने वाला नाम है जिसमें हम पहले अधिगम करते हैं और अधिगम हो जाने के बाद जरूरत पड़ने पर उसका हम उपयोग करते हैं। स्मृति के चार सोपान माने गए हैं। सबसे पहले अधिगम या सीखना होता है, उसके बाद में उसको धारण करना। धारण करने का मतलब लंबे समय तक उसको अपने व्यवहार में स्थायी बनाए रखना, फिर जरूरत पड़ने पर उसको पुनः प्रकट करना और उसको पहचानना। ये चार इसके सोपान माने गए हैं स्मृति के। स्मृतियाँ कई प्रकार की होती है। स्थायी अस्थायी स्मृति होती है, चित्रपूर्ति संबंधित स्मृति होती है, पेशीय स्मृति होती है, यानी बहुत सारे प्रकार की स्मृतियाँ हो सकती है। मोटे तौर पर हमें यहाँ पर ये बात समझनी है, ये बात ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यवहार को एक बार व्यक्ति या बालक सीख लेता है, सीखने के बाद जब उसको दोबारा किसी नई परिस्थिति में प्रकट करने की क्षमता उसमें आ जाती है या उसको चेतना में लाकर उपयोग में ले आता है तो ये स्मृति होती है। जैसा कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी विषय वस्तु का अधिगम करता है, उसको सीखता है और फिर परीक्षा के समय जरूरत पड़ने पर उन प्रश्नों के उत्तर स्मरण में ला कर के या पुनः स्मरण में ला कर के उनको वो वहाँ पर सही करता है या उत्तर दे पाता है, किसी विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न को हल कर पाता है, यही क्या है, उसकी स्मृति है। यानी सीखे हुए ज्ञान का किसी नवीन परिस्थिति के समय जब हमें पुनः स्मरण हो जाए, पुनः याद हो जाए, हमारी चेतना में आ जाए, उसका हम उपयोग कर पाएँ, यही स्मृति होती है। तो ये थी दोस्तों मेमोरी या स्मृति नामक टर्म। मिलते हैं फिर अगले टर्म के साथ में। धन्यवाद।